तो भाइयों मेरे पास जो है ये 5 मंथ की हेयर ड्रेस की सीसी है, आप चेक कर सकते हैं। ये 2 और 2 4 1 5, तो मैं 5 महीने से कंटिन्यूसली यूज़ कर रहा हूँ जैसा कि आपको पता है। तो आज हम हेयर ड्रेस के नुकसान के बारे में जानेंगे, इसके क्या नुकसान होते हैं हेयर ड्रेस को खाने के, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे। और अगर आपका भी कोई सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड या किसी वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बता सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है और इसके भी डिस्क्रिप्शन में। तो जो मेरे पास इंस्टाग्राम पर मैसेज आए थे, आज मैं उन सारे मैसेज को कवर करूंगा। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि हेयर ड्रेस को 4 महीने से कंटिन्यू मैं यूज़ कर रहा हूँ, मुझे इसके क्या क्या नुकसान हुए, क्या क्या फ़ायदे हुए, तो सारी चीज़ें हम इसमें जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे अभी तक मुझे कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। मैं 4 मंथ से कंटिन्यू सुबह शाम यूज़ करता हूँ। 2 बजे सुबह खाता हूँ ब्रेकफास्ट के बाद, एंड 2 बजे शाम को खाता हूँ। तो जैसे कि कुछ लोगों का कभी कभी शेड्यूल थोड़ा बिगड़ जाता होगा, कुछ लोग जो है ब्रेकफास्ट के बाद नहीं खा पाते होंगे, तो आप जो है एक शेड्यूल मेंटेन करके दोपहर को 12 बजे खाना खाने के बाद भी खा लेना, नो प्रॉब्लम। मैं तो खा लेता हूँ, क्योंकि कभी कभी सुबह लेट जाता है। तो जैसे अगर मान लीजिए मैंने दोपहर को 12 बजे खाई, तो जो रात वाली होती है वो मैं 12:30 1 बजे मेंटेन करके गैप को फिर खा लेता हूँ। तो किसी का एक का सवाल आया था कि भाई हेयर रस से जो है कुछ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन टाइप का कुछ होता है क्या? तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो खा रहा हूँ। इसके अलावा एलर्जी, मुझे एलर्जी भी नहीं हुई, जबकि मेरी स्किन सेंसिटिव है, बट मुझे ऐसा नहीं हुआ। बट इसका जो बॉक्स है, उसके बॉक्स के पीछे साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपको जो है हेयर रस लेते समय किसी तरह की कोई एलर्जी होती है या कुछ भी होता है, तो आप इसे तुरंत डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं। और इसके अलावा अगर जो भी अदर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो इसे ना खाएं। जैसे आज मान लीजिए आपको 1 हफ्ता हुआ, जो जिन लोगों ने नए नया कोर्स शुरू किया है, नई के 1st मंथ से, और उनको लगता है कि मतलब पहले महीने से ही 10 से 12 दिन खाने के बाद स्किन में एलर्जी हो रही है, रेड रेड सी हो रही है जगह जगह, तो भाई छोड़ दो। और उसके बाद ट्राई की वेबसाइट पर जाकर कॉल बुक कर लो। मैंने एक वीडियो पहले से बनाई हुई है ट्राई के डॉक्टर से किस तरह बात करें, ये थंबनेल है उसका, तो वो जाके चेक कर लेना। वहाँ से ट्राई वालों से बात करके उनसे पूछो, वो आपकी दवाई में चेंजेस करेंगे। तो ये है। और हेयर विटामिन काफ़ी सही है बालों में, के लिए बालों का मेरा पहले से काफ़ी बालों का वॉल्यूम बढ़ा है। और इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट रिव्यू आएगा वो 5 महीने कंप्लीट होने के बाद आएगा। अब जो 6 मंथ की मेरी किट आएगी, तो उसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, मतलब तो पहले मेरे बाल कितने थे और कैसे थे, वो पूरा फुल रिव्यू हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपका अदर कोई भी सवाल है, तो मैं फिर से बता देता हूँ कि हेयर रस को खाने से मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, और हर तरह से बेस्ट है। बस आपको ब्रेकफास्ट के बाद खानी है, सुबह खाली पेट नहीं खानी है, रात को खाना खाने के बाद खानी है, तो इतना करना है। बाकी इस तरह से अगर लेते हो तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप जो है तुरंत इसको बंद कर सकते हैं खाना, और ट्राई वालों से कॉल बुक करके उनसे पूछ सकते हैं। और लास्ट में यही, अगर आपको कोई भी सवाल है कमेंट करके बता दो, या फिर इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर देना। तो चलो, अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड क्योंकि मैं आने वाले मंथ में जो है अपनी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन डालने वाला हूँ, पहले मेरे बाल कितने थे और अब कितने बड़े हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच।